please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ नहीं कर सकते शिकायत। राजस्थान के घर खरीदार राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कर पाएंगे। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने रेरा की वेबसाइट पर पूरे दस्तावेज अपलोड नहीं किए जिससे वह रेरा के बाहर आ जाते हैं और रेरा उन पर कार्रवाई नहीं कर सकती। MCG ने किया यूनिट एग्जिस्टा के सेक्टर 70 को सील। प्रॉपर्टी टैक्स का ठीक तरीके से भुगतान नहीं होने की वजह से गुड़गांव नगर निगम ने सेक्टर 17 के यूनिट एग्जिस्टा को सील कर दिया है। निगम के अनुसार उन्होंने यूनिटेक को 13.6 लाख रुपए का टैक्स भरने के लिए कई नोटिस भेजे थे। यूनिटेक ने किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। निगम ने उसके बाद ये कदम उठाया। दिवालियापन कानून को कोर्ट में चुनौती देंगे खरीदार। परेल में ऑर्बिट कॉर्पोरेशन की रुकी हुई परियोजना को बचाने के लिए फ्लैट खरीदारों ने दिवालियापन कानून के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है जिसमें लिखा है कि वह संपत्ति पर दावा करे बिना उसे छोड़ दें। गुड़गांव के 4 सेक्टर हुड्डा से MSG को ट्रांसफर होंगे। हरियाणा सरकार ने गुड़गांव के सेक्टर 42, 51, 52 और 57 को हुड्डा से MSG को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। ट्रांसफर पूरा हो जाने के बाद हुड्डा के पास शहर के केवल 2 क्षेत्र रह जाएंगे, सेक्टर 29 और सेक्टर 37, दोनों वन राज्य के हैं। नोएडा के घर खरीदारों के लिए खुशखबरी। सोमवार को नई दिल्ली में एक मंत्री समिति द्वारा आयोजित एक समीक्षा बैठक के बाद निर्देश सामने आए और नोएडा प्राधिकरण ने समिति को बताया कि नोएडा में 11,000 फ्लैट वितरित किए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों ने 14,000 अपार्टमेंट्स का वादा किया है। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण ने 7,525 फ्लैटों का वादा किया है।